हेलो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 फिजिक्स, आई अभय कुमार गोइंग टू डील विथ फिफ्थ पार्ट दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर ऑफ द फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, फंडामेंटल और बेसिक फोर्सेस इन नेचर। हिंदी में इसको कह सकते हैं प्रकृति के मौलिक बल। चार टाइप का बल, चार प्रकार का, चार टाइप का फोर्स जो है, फोर टाइप्स ऑफ फोर्सेस फाउंड इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। चार प्रकार का प्रकृति में मौलिक बल पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल फर्स्ट में, सेकंड विद्युत चुंबकीय बल, और तीसरा प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा दुर्बल नाभिकीय बल। हिंदी में भी हमने इसको पढ़ा कहा। नाउ राइट डाउन फोर टाइप्स ऑफ forces in nature are first gravitational force, इसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और हिंदी में इसको विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग का मतलब शक्तिशाली, प्रबल, हिंदी में अगर कहें तो प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ में, फोर्थ इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। हिंदी में कमजोर नाभिकीय बल। हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं, इसलिए कि डिफिनेशन को भी मैं हिंदी में कहता हूं और जो टाइप है उसको भी बतला रहा हूँ, तो सुन करके वे लिख सकते हैं, एक दो बार वीडियो देख करके सुन कर लिख सकते हैं। तो उन लोगों की भी तैयारी हिंदी मीडियम वाले छात्रों की भी तैयारी, अच्छी तैयारी हो सकती है, और एक्सप्लेन करने में भी मैं बोलता हूँ हिंदी में, तो उसको सुन करके और लिख करके वीडियो एक दो बार देख करके उसका फायदा उठा सकते हैं। अब चारों फोर्स का हम बारी बारी से देखेंगे कि क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इसका प्रॉपर्टी भी देखेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो फर्स्ट में जो है आप लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। और ये मिला कहां से, गुरुत्वाकर्षण बल मिला न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से। न्यूटन साहब ने कहा था कि एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विथ ए फोर्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दिस फोर्स अराइजेस ड्यू टू मासेस ऑफ द पार्टिकल्स और बॉडीज इन द यूनिवर्स। ये जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, यह पार्टिकल या पिंडों के मास के कारण उत्पन्न होता है। राइट डाउन प्लीज, दिस फोर्स अराइजेज ड्यू टू
मासेस ऑफ टू पार्टिकल्स ऑब्लिक बॉडीज इन द यूनिवर्स इट इज गिवन बाय दिस फोर्स इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जी इज अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट जी इज वेयर जी इज अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट यूनिवर्सल का मीन्स सभी जगह इसका वैल्यू सेम होगा कहीं भी अर्थ पर किसी भी दूसरे प्लेनेट पर इसका वैल्यू सेम होगा कहीं भी यूनिवर्सल वैल्यू इसका सेम कॉल्ड ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट हिंदी में इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और जी का जो वैल्यू होता है निकाला जा सकता है 6.67 10 टू दी पावर माइनस 11 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर एक पढ़ना है उसमें हम देखेंगे डिटरमिनेशन ऑफ जी का वैल्यू बाय केवेंडिस 8th चैप्टर 8th चैप्टर ऑफ 8th चैप्टर इन क्लास 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट का जो वैल्यू होता है एम वन एम टू आर टू मासेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एम वन एम टू आर टू मासेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर And according to Newton, every particle of the universe attracts every other particle with a force. This is the first particle, this is the second particle. This is the force acting on mass M1 by mass M2, that is F12. We can write it F12, that is force acting on particle of mass M1, particle 1 of mass M1, due to other particle of mass M2, is can be written as F12. And M1 attract M2 or M2 will also attract M1. This force will F21, force acting on particle 2 of mass M2 by mass M1 is F21. Or magnitude of F21 ka mod jo hoga, F12 ke mod ke equal hoga. डायरेक्शन अपोजिट होगा माइनस साइन हमने दिया है ना आई हैव गिवन माइनस साइन विच इंडिकेट्स दैट बोथ फोर्सेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिटली डायरेक्टेड दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है M1 पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड कॉन्टैक्ट करेगा विथ ए फोर्स F12 और सेकेंड पार्टिकल भी और M1 के कारण फोर्स काम करेगा वो F21 हो गया तो एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल So it is only of attractive nature, not repulsive, only attractive. और it is a very long range force. Sun और Earth के बीच में भी काफी distance है लेकिन gravitational force
एक्ट करता है। यह ग्रेविटेशन फोर्स का एग्जाम्पल है, सूर्य सन और अर्थ के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है उसको ग्रेविटेशन फोर्स ही, वो ग्रेविटेशन फोर्स का वन ऑफ द एग्जाम्पल। उसी ढंग से डिफरेंट प्लेनेट और सन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है वो भी ग्रेविटेशन फोर्स है। यूनिवर्स में दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स काम किया है ग्रेविटेशन फोर्स है कहीं भी। अब देखते हैं इसका प्रॉपर्टी, जिसके बारे में एक दो पॉइंट के बारे में मैंने कहा भी, लेकिन कुछ और पॉइंट्स है प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये तो हो गया कि अट्रैक्शन फोर्स है यूनिवर्स में, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है जिस अट्रैक्शन फोर्स से, दैट अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। और कहाँ से आता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, जो कि एफ इजिकल टू कैपिटल जी एम ओन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। एम ओन एम टू मासेस है, एम ओन एंड एम टू, वेयर एम टू एम ओन एंड एम टू आर टू मासेस सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर, सेपरेटेड बाई आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, फिगर में भी हमने दिखाया है, सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर, स्मॉल आर। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, ये तो जान गए कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है दो पार्टिकल के बीच, क्यों काम करता है? मास के कारण, पार्टिकल्स या बॉडीज के मासेस के कारण एक पार्टिकल या एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, उस फोर्स को, उस आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस इन द यूनिवर्स, टू बॉडीज और टू पार्टिकल इन द यूनिवर्स ड्यू टू डियर मासेस, that attraction force is called gravitational force. Now, write down its properties of gravitational force. Now, write down the properties of gravitational force. First property is, it is only of attractive nature. एक particle दूसरे particle को केवल attract करेगा gravitational force में, repulsion इसमें नहीं होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज, इट इज ओनली ऑफ अट्रैक्टिव नेचर, यह केवल आकर्षण स्वभाव का होता है, यह का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण स्वभाव का होता है। और सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिए, इट इज ए वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स, इसका जो रेंज होता है परिसर परास बहुत ज़्यादा होता है, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी मीन्स वेरी लार्ज डिस्टेंस, जैसे अर्थ और सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, फिर भी ये फोर्स अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। इट इज द थर्ड पॉइंट इज, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। रेंज सबसे ज़्यादा है, इन्फिनिटी तक है, लेकिन चारों जो फोर्स है, ऑल फोर टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर, उसमें सबसे वीकेस्ट है, सबसे कमजोर है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ग्रेविटेशन फोर्स, सबसे कमजोर फोर्स है प्रकृति का, नेचर का। फोर्थ पॉइंट लिखिए, इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मीन्स, लॉ मीन्स द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मास एम1 एंड एम2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². हमने देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, न्यूटन्स का लॉ का ग्रेविटेशन से ये बात है, सेकेंड पार्ट में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के सेकेंड पार्ट में ये बात है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है दोनों पार्टिकल के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और उनके बीच के जो का जो डिस्टेंस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही आया, कैपिटल जी एम वन ए प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ वेरी एम वन एम टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस अपॉन वन बाई आर अपॉन आर स्क्वायर, मीन्स डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिस्टेंस आर बढ़ेगा तो ग्रेविटेशन फोर्स दोनों पार्टिकल के बीच में घटेगा, और आर अगर कम है, डिस्टेंस कम है दो पार्टिकल के बीच में, तो फोर्स ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है, एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, वन फैक्टर इंक्रीज देन अदर फैक्टर विल डिक्रीज। और फिफ्थ पॉइंट लिखिए, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स इज द फोर्स विच एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल्स और टू चार्ज पार्टिकल्स, दो पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला लाइन के अलोंग काम करता है, उसको ग्रेविटेशन फोर्स, उसको हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। दो पॉइंट है, मान लिया कि दो मास है M1, पहले भी हमने बताया था शुरू में ही, स्टार्टिंग में इसका
इसी लाइन के लोग काम करेगा। ये फोर्स जो है आर डिस्टेंस है, एम1 मास पर जो है इस पार्टिकल पर दूसरे मास के कारण जो फोर्स काम करेगा वर्क करेगा F12, और दूसरे पार्टिकल पर पहले पार्टिकल के कारण जो फोर्स काम करेगा F21। तो ये दोनों जो फोर्स काम कर रहा है, म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है दोनों पार्टिकल के बीच में, वह उसी दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला लाइन के लॉन्ग काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो इस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहेंगे, जो दो पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला लाइन के लॉन्ग वर्क करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स का आपने मीनिंग समझ लिया होगा। और सिक्स पॉइंट लिखिए, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब हिंदी में इसको संरक्षी बल कहा जाता है। कंजर्वेटिव फोर्स वैसा फोर्स है जिसके द्वारा वर्क डन जो किया जाएगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी, तो उस बॉडी एक जगह से दूसरे जगह तक डिस्प्लेस होगा तो उसके पास पर डिपेंड नहीं करेगा, वह डायरेक्टली सीधे स्ट्रेट लाइंस होकर के स्ट्रेट पाथ में वन पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गया, या कर पाथ से गया, या निश्चित कर पाथ से गया, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। देयर आर सो मेनी पाथ्स बाय रीचिंग ए पार्टिकल ए बॉडी फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, बहुत सारा पाथ हो सकता है, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल उस पार्टिकल के उस बॉडी के इनिशियल पोजीशन, पहले पोजीशन पर और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। अब किस रास्ते से गया, किस पाथ से गया, एक पार्टिकल से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब द फोर्स विच इज ओनली पोजीशन डिपेंडेंट नॉट पाथ डिपेंडेंट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। वैसा फोर्स जो केवल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करता है वस्तु का, पार्टिकल का, उसके पाथ के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, पाथ कवर किया उस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, संरक्षी बल। ये पॉइंट हो गया। और सातवां है, आखिर उत्पन्न कैसे होता है, दो पार्टिकल के बीच में ग्रेविटन कहा जाता है जो कि इसका फील्ड पार्टिकल है, तो ग्रेविटन्स के एक्सचेंज से, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ग्रेविटन का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, जिसके कारण यह फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो ये इसका फील्ड पार्टिकल होगा। ग्रेविटन को हिंदी में इसको गुरुत्वायन कहा जाता है, उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल का क्षेत्र कहेंगे। जिस दो पार्टिकल के बीच में फोर्स काम कर रहा है करता है तो ग्रेविटन का एक्सचेंज होता है, उसके कारण यह प्रोड्यूस होता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स फोर्सेस इन नेचर विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब दूसरा जो है विद्युत चुंबकीय बल है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ राइट डाउन नाउ सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। दो आवेशित कणों के बीच क्रियाशील विद्युत बल और चुंबकीय बल का संयुक्त प्रभाव विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है अंग्रेजी में, हिंदी में इसको, और अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाएगा, हिंदी में विद्युत चुंबकीय बल। दो स्टैटिक चार्जेज अगर है आवेशित कण तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होगा, और अगर दो चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड व्हाइल ए स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो चार्ज पार्टिकल मान लिया कि Q1 और Q2, एक चार्ज पार्टिकल Q1 है प्लस Q1 चार्ज है, और दूसरा चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज जो है Q2 है प्लस Q2 है, तो दोनों यहाँ सिमिलर चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। दोनों अगर प्लस ले लेते हैं प्लस दे विल रिपेल ईच अदर। ये जो फोर्स हो गया स्टैटिक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये जो फोर्स हो गया दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स।
दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। जैसे वहाँ ग्रेजुएशन में दो पार्टिकल एक दूसरे को ग्रेजुएशन फोर्स के कारण जो एक कर रहा था, तो दोनों पार्टिकल एक दूसरे को म्यूचुअली अटैक कर रहा था। और ये जो है अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। अगर मान लिया एक चार्ज प्लस Q1 को पॉजिटिव लिया जाए और Q2 को निगेटिव, तो अट्रैक्शन होगा। और यहाँ दोनों सिमिलर चार्ज है तो यहाँ रिपल्सन होगा। और दोनों स्टैटिक चार्ज है तो ये जो है स्टैटिक चार्ज जो है प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स एराइज होगा उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। उसी प्रकार सिमिलरली ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स एराइज होगा दो मूविंग चार्जेस के बीच में उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यू कैन राइट डाउन इट, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। ये केवल चार्ज पार्टिकल केस में प्रोड्यूस हो जाएगा, होगा टू चार्ज पार्टिकल्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो सेपरेटेड कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, जैसे कि यहां दोनों चार्ज पार्टिकल एक पर चार्ज प्लस Q1 दूसरे पर प्लस Q2, दोनों निगेटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव भी हो सकता है, या दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है। आठ डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, आठ डिस्टेंस पर रखा गया है, तो उसके बीच में प्रत्येक चार्ज दूसरे चार्ज को यहाँ पर रिपेल करेगा, रिपल्सन का। तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में इस रिपल्सन को यहाँ दर्शाया गया है Fe, जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। यही आपका विद्युतीय बल है। और जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, यहाँ तो स्टैटिक चार्ज है, जब मोशन में होगा तो वह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड के का जो रिजल्ट होगा वह मैग्नेटिक दोनों चार्ज पार्टिकल जो मोशन में है उसके बीच में मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स अराइज होगा मूविंग चार्जेस के बीच में उसको कहा जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हमने डिफाइन किया। और ये गाइड होता है, दिस फोर्स इज गवर्न्ड बाय कूलम्स लॉ, इट कम्स फ्रॉम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ 12 में पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोग 12 में पढ़ेंगे, लेकिन उसका बारे में उस लॉ को यहाँ हम लिख रहे हैं जिससे कि ये फोर्स गाइड होता है। दिस फोर्स इज गवर्न्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज गवर्न्ड बाय कूलम्स लॉ। Given by F equals to K, constant है, proportionality constant, Q1 Q2 upon R square. This is Coulomb's law, and here the force is Coulomb's force. It is the electrostatic force, electric force, which is called Coulomb's force. This force is called Coulomb's force, where Coulomb's force
चार्ज पार्टिकल्स। तो ये कूलम्स लॉ है, इसी से गवर्न होता है, इसी से आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसी से गवर्न होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो है दोनों नेचर का हो सकता है। ग्रेविटेशन फोर्स तो केवल अट्रैक्शन नेचर का होता है, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकता है, क्योंकि सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्सन फोर्स और अनलाइक चार्जेज जैसे एक प्लस है दूसरा माइनस है तो उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो ये दोनों नेचर का हो सकता है। और इसका भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन पर जो है जो फोर्स अपनी तरफ लगाता है उसको उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है और वह बैलेंस होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो उसके मोशन को सर्कुलर पाथ पर बनाए रखने के लिए उस पार्टिकल पर उस सर्किल के सेंटर की तरफ जो फोर्स काम करता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो एटम के केस में न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस द्वारा इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा एक्ट करेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया और वह बैलेंस होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो कि इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा उसको इलेक्ट्रॉन को सर्किल पर घुमाए रखने के लिए। तो यहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल हुआ। फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स होगा वह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है, स्प्रिंग फोर्स है वह भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेट ऑफ ए बॉडी, वो ग्रेविटेशन फोर्स का एग्जाम्पल है। तो ये जो है एग्जाम्पल्स है एटम के केस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स हुआ, फ्रिक्शन फोर्स हुआ, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। अब इसका हम प्रॉपर्टीज देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, इसको हम नाउ राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। Its first property is it is of both attractive and repulsive nature. इसको हम define कर रहे थे उस समय भी बतलाया कि दो similar charged particle, अगर दो charged particle similar nature का है उस पर similar charge है plus plus या minus minus एक दूसरे को repel करेगा और unequal charges है या dissimilar charges है अब या opposite charges है एक पर plus एक charged particle पर plus दूसरे पर negative माइनस नेगेटिव चार्ज तो बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। टू अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, दो समान स्वभाव के चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को विकर्षित करता है और दो विपरीत स्वभाव का एक धनावेश दूसरा ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो इससे दोनों नेचर का ये फोर्स हो सकता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव दोनों सेम नेचर का भी हो सकता है, प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है या अपोजिट नेचर प्लस माइनस भी हो सकता है। तो दोनों नेचर का ये फोर्स है, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स केवल अट्रैक्टिव नेचर का था, वहाँ दो मासेस के बीच में केवल अट्रैक्शन होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। ये फोर्स भी अब ग्रेविटेशन फोर्स इतना तो लंबा ज़्यादा नहीं है, फिर भी फ्यू किलोमीटर्स तक कुछ किलोमीटर तक ये भी जो है इसका भी रेंज हो सकता है, इसका भी प्रभाव कुछ किलोमीटर तक हो सकता है। सो इट इज ऑल्सो ए लॉन्ग रेंज फोर्स, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स से रेंज कुछ कम है, वो तो इन्फाइनाइट तक काफ़ी सन और अर्थ के बीच में भी काम करेगा। उतने डिस्टेंस पर ये जो है ये फोर्स जो है निग्लिजिबल हो जाता है, उतना डिस्टेंस वेरी लार्ज डिस्टेंस पर ये फोर्स घट करके लगभग जो है निग्लिजिबल हो जाता है, नगण्य हो जाता है। और थर्ड है इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहाँ भी कूलम्स लॉ में हमने देखा एफ वेरीज एज के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ से ये फोर्स गाइड होता है, कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है उसी से। तो उसमें जो है
जो फोर्स काम करेगा दो चार्जेस के बीच में, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। मतलब आर बहुत ज़्यादा, अभी हमने बतलाया कि रेंज आर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स जो है काफ़ी कम हो जाएगा। तो रेंज डिस्टेंस बढ़ेगा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में तो फोर्स घटेगा। इसलिए यह भी इट ऑल्सो ओबेज द इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स काम करेगा बल, वह उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। हिंदी में अगर कहें तो दूरी बढ़ेगा तो बल का वैल्यू घटेगा, काफ़ी दूरी लार्ज हो जाएगा तो बल काफ़ी कम हो जाएगा, लगभग नेग्लिजिबल। फोर्स प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो ए सेंट्रल फोर्स। ये फोर्स भी दो चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन के अलोंग काम कर सकता है, ये भी करता है। ये Q1 चार्ज है और दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। तो यहाँ पर भी जो है Q1 चार्ज पार्टिकल को जो है दोनों प्लस नेचर का है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स काम वर्क करेगा, एक्ट करेगा, काम करेगा। F12 हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल वन, चार्ज पार्टिकल फर्स्ट ऑफ चार्ज Q1 एंड सेकेंड पार्टिकल इज ऑफ पार्टिकल नंबर टू ऑफ चार्ज प्लस Q2। तो प्लस Q1 इज रिपेल्ड बाई प्लस Q2 चार्ज, प्लस Q1 माने प्लस Q1 चार्ज इज रिपेल्ड बाई द अनदर चार्ज प्लस Q2 सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर, आर डिस्टेंस है दोनों के बीच सेपरेशन। और Q2 चार्ज पर भी जो है Q1 के कारण फोर्स काम करेगा, रिपल्सन फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होगा। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब F12 F21 इज इक्वल टू माइनस F12 आप लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा लेकिन माइनस साइन बता रहा है कि दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट है। यह न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के इन अकॉर्डेंस है, के अनुसार है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स हो गया एक पार्टिकल पर दूसरे के द्वारा, दूसरा जो है। तो ये फोर्स जो है सेंट्रल फोर्स हो गया। सेंट्रल फोर्स कैसा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बताया, सेंट्रल फोर्स वैसा फोर्स है जो कि दो पार्टिकल को, दो मासेस को ज्वाइन करने वाला लाइन के अलोंग काम करे, या दो चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला लाइन के अलोंग काम करे। कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उसमें मास होगा, प्रोटॉन है मान लिया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो उस पर भी उसका भी मास होता है, भले ही मास कम होता है। इलेक्ट्रॉन भी है, मास काफ़ी कम होता है लेकिन कुछ ना कुछ तो मास होता ही। तो जो चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला लाइन के अलोंग जो फोर्स काम कर रहा है, इसी लाइन के अलोंग F12 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल Q1 बाई Q2 एंड F21 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल प्लस Q2 बाई द फर्स्ट पार्टिकल चार्ज पार्टिकल प्लस ऑफ चार्ज प्लस Q1। सेम लाइन के अलोंग काम कर रहा है तो इसको सेंट्रल फोर्स कहेंगे। यहाँ भी सेंट्रल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, जिसको हिंदी में केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स को हिंदी में केंद्रीय बल कहा जाता है, जो कि दो आवेशित कणों या दो द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा लाइन के अलोंग काम करता है, यहाँ काम कर रहा है लाइन पर। इट इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स द वर्क डन बाई द फोर्स एच इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ कवर्ड बाई द चार्ज पार्टिकल, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। किसी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के द्वारा उसको एक जगह से दूसरे जगह तक डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन होगा, वह उसके पाथ के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पाथ से एक जगह से दूसरे जगह चार्ज पार्टिकल जाएगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा, यह डिपेंड करेगा उस चार्ज पार्टिकल के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। तो इसी को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स भी कंजर्वेटिव है, उसमें भी हम बताए, यहाँ भी वही बात। और इट इज 10^36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल से 10^36 टाइम्स ज़्यादा मजबूत होता है और साथ में 10^11 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स से भी 10^11 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से 10^2 टाइम्स या 100 टाइम्स वीकर होता है। बट 10^2 टाइम्स दैट इज 100 टाइम्स वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
तो ये दो फोर्स से तो चार टोटल फोर्स चार है, चार है, फोर है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह नेचर का सबसे कमजोर वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, तो उससे 10^36 टाइम बहुत ज्यादा हुआ, वेरी लार्ज। तो 10^36 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और वीक न्यूक्लियर फोर्स से भी 10^11 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से स्लाइटली मतलब 10^2 टाइम्स 100 टाइम्स वीक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड सेवन प्रॉपर्टी, कैसे प्रोड्यूस होता है, इट अराइजेज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ ए चार्जलेस एंड मासलेस, रेस्ट मास इज जीरो, डेड पार्टिकल इज कॉल्ड फोटोन। फोटोन के एक्सचेंज से होता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोटोन के एक्सचेंज से होता है। फोटोन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 12 में, एक चैप्टर है चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो उसमें हम फोटोन का प्रॉपर्टी अलग से वहाँ भी स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया कि फोटोन जो है एक न्यूट्रल पार्टिकल है जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, स्पीड ऑफ लाइट 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, और इसका रेस्ट मास जो है मासलेस, रेस्ट मास इसका जीरो होता है, हमने लिखा है चार्जलेस पार्टिकल्स हुज रेस्ट मास बराबर इक्वल टू जीरो। तो इट अराइजेज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ फोटोन्स, ब्रैकेट में हमने चार्जलेस लिखा मतलब न्यूट्रल पार्टिकल है फोटोन और रेस्ट मास जीरो होता है मासलेस भी, और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स का मतलब दो जो चार्ज पार्टिकल्स है, जैसे प्लस की वन एक चार्ज है दूसरा प्लस की टू, तो उसके बीच में फोटोन्स का जो है एक्सचेंज होता है और उसके कारण जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एराइज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विद्युत चुंबकीय बल का उत्पन्न होने का कारण है, एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल में, एक आवेशित कण से दूसरे आवेशित कण में फोटोन्स का स्थानांतरण होना, और इसलिए फोटोन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फील्ड पार्टिकल कह सकते हैं। फोटोन इज द फील्ड पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो आज इस पार्ट में ग्रेविटेशन नेचर का जो चार फोर्स होता है उसका दो फोर्स हो पाया इसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। रेस्ट जो टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस है जो बचा हुआ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसको अगले पार्ट में करेंगे और देखेंगे। और उसके अलावा डिफरेंट साइंटिस्ट ने चारों फोर्स को आपस में, किसी ने दो फोर्स को मिलाने का प्रयास किया, अभी चारों फोर्स को मिलाने का ट्राई प्रयास हो रहा है, तो टुवार्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस वो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और उसके बाद एक ही पार्ट और बच जाएगा, एक ही टॉपिक और बच जाएगा, उसको लास्ट पार्ट में करेंगे, तो दो पार्ट में और करेंगे, तो ये चैप्टर अब समाप्ति की ओर है। तो आज इस चैप्टर में, इस पार्ट में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।